भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह की पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक की पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और कार्तिक का महीना वैसे ही सबसे बड़ा महीना माना गया है। और इस माह के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है वह अनंत गुना पुण्य फलदायी है। और कार्तिक माह में पूरे महीने यदि कोई दान पुण्य या फिर स्नान आप नहीं कर सकते हैं तो केवल पूर्णिमा के दिन आप स्नान और दान करेंगे तो संपूर्ण माह का पुण्य फल आपको प्राप्त हो पाएगा। इस बार इस पूर्णिमा की कथा जरूर सुने तथा इस दिन दीप दान भी करना चाहिए। इस दिन दीप दान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है और उसके पुण्यों का उदय होता है, उसके जीवन में एक नया उजियारा आ जाता है। तो अब हम आपको कार्तिक माह की पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव की नगरी काशी यानी बनारस में देव दिवाली मनाई जाती है। वैसे तो देव दिवाली पूरे भारत वर्ष तथा विदेशों में भी जो लोग हमारे सनातन धर्म को मानते हैं वो सभी देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। देव दीपावली के दिन भगवान शिव और गंगा माता की पूजा की जाती है। संध्या के समय गंगा आरती होती है। देव दीपावली के संदर्भ में दो पौराणिक कथाएं मिलती है। एक कथा महर्षि विश्वामित्र तथा दूसरी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। यह कथा महर्षि विश्वामित्र से जो जुड़ी हुई है वह पहली कथा इस प्रकार आती है। इस कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र जी ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दे दी। उन्होंने अपने तप के बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। यह देखकर के सारे देवता अचंभित हो गए। विश्वामित्र जी ने ऐसा करके उनको एक प्रकार से चुनौती दे दी। इस पर देवता त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे, जिसे विश्वामित्र जी ने अपना अपमान समझा। उनको यह हार स्वीकार नहीं थी। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसे हवा में ही रोक दिया और नई स्वर्ग तथा सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। इससे समस्त देवता भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा याचना तथा भगवान विश्वामित्र को मनाने के लिए उनकी स्तुति की। अंततः देवता सफल हुए और ऋषि विश्वामित्र उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने दूसरे स्वर्ग और सृष्टि की रचना बंद कर दी। इससे सभी देवता प्रसन्न हुए और उस दिन उन्होंने देव दिवाली मनाई, जिसे देव दीपावली कहा गया। और देव दीपावली की जो दूसरी कथा आती है वह इस प्रकार है। तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके तीन पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, क्योंकि तारकासुर का आतंक त्रिलोकी में फैलता जा रहा था। समस्त जीव जंतु और प्राणी उससे बहुत भयभीत थे, बहुत आतंक उसका फैला हुआ था। इस कारण से कार्तिक स्वामी ने क्रोधित होकर के तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर के तारकासुर के तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर के ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या मांगते हो, क्या वरदान चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर के फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीन अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठ करके सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर के एक हो जाए और जो देवता
तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों यह वरदान पाकर के बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए तीन नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्मानी के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर के तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात को सुनकर के भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चार घोड़े बन गए। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बन गए, यानी बाण के रूप में भगवान शिव खुद बन गए और बाण की नोक जो बने वो अग्निदेव बन गए। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ करके तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक माह की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। और इस दिन सारे देवता मिलकर के दीपावली का बड़ा उत्सव मनाते हैं। स्वर्ग में दीपोत्सव किया जाता है। क्योंकि इन तीन देवताओं का वध इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को बड़े उत्सव के रूप में सारे देवता इंद्र में मनाते हैं और इंद्रादि समस्त देवता इस दिन देवलोक में दीप प्रज्वलित करते हैं। इसीलिए इसे देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देव दीपक जलाते हैं और इस दीपोत्सव को देव दिवाली कहा जाता है। इस प्रकार देव दिवाली की कथा को जो कोई भी सुनता है उसे त्रिलोक से धन संपत्ति वैभव सुख सब कुछ प्राप्त होता है और भगवान की अपार कृपा उसके जीवन पर बनी रहती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्यनाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने कार्तिक पूर्णिमा की दिव्य कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप कार्तिक माह के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र बता करके कार्तिक पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।